गाइस आप देख सकते हैं मैं अभी 11,660 फीट की हाइट पे ऊपर खड़ा हूँ और ये पास में पूरी ले सिटी है आपको दिखाई दे रही होगी। हे गाइस तो कैसे हैं सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स अप रियल ग्रुप। तो आज आए हैं आपके सामने फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। हो वही मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ की बहुत ही बढ़िया प्राचीन प्लेस है, लॉर्ड बुद्ध जी का टेंपल है वो आपको दिखाऊंगा आज। तो वहीं से आज जर्नी यहाँ से शुरू की है, आपको वहाँ तक बताएंगे पूरा। तो अभी कैमरा चेक करके दिखाता हूँ हमने कहाँ पर जाना है, हमारी डेस्टिनेशन आपको दिखाते हैं अभी। तो देखिए गाइस वो सामने यहाँ पे जो टेम्पल दिखाई दे रहा है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पर भी जाएंगे आपको दिखाएंगे आगे पूरी जर्नी पौड़ियाँ चलेंगे। तो गाइस हम थोड़ी आगे पहुँचे हैं, अच्छे देखिए जहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू होती है और आगे ये देखिए ऊपर है, ये यहाँ पे हमने जाना है जहाँ पे ये पहुँचेंगे हम। लेकिन ये देखिए आपको पहले बता दूँ कि ये नीचे यहाँ पे कितने पुराने, यहाँ पे पुराने पुराने बुद्धिस्ट जहाँ पे स्कल्पचर पड़े हुए हैं जहाँ पे हैं, क्योंकि ये भाई बुद्धिस्ट इनकी आस्था है तो मानते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे मंदिर होते हैं वैसे इन्होंने अपने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं और यहाँ पे आराधना पूजा करने के लिए आते हैं। ये लद्दाख में हर जगह में आपको मिलेंगे, ये देखिए आपको सामने ये दिखाई दे रहे हैं। तो हम अभी आगे जाते हैं जहाँ से हम अभी अपनी यहाँ से जर्नी शुरू कर रहे हैं आगे ऊपर जाने के लिए। देखते हैं कि कब तक पहुँच पाएंगे और कैसे रहेगा सफ़र ऊपर जाने के लिए। तो देखिए गाइस, ये सीढ़ियाँ यहाँ पर शुरू हो चुकी है जाने के लिए ऊपर। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर से आपको पूरी ले सिटी यहाँ पर दिखाएँगे और सांस बहुत फूलती है भाई यहाँ पर थोड़ा सा। चलो भाई बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे सांस का, तो इसलिए भाई संभल के थोड़ा चल रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ आगे ऊपर, ऊपर जब पहुँचेंगे आपको वापस मिलते हैं। घर से मैं इतना सा ही चलूँ, मेरी सांस फूल गई है जहाँ से ये एरिया नीचे दिखना शुरू हो गया है। और आगे भी ऊपर दिखाता हूँ आगे ऊपर और कितनी लंबी पौड़ी है, जहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ेगी मेरे को, वो ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं वहाँ पर आगे आगे वहाँ पर पहुँच के। तो गाइस हम मैं अभी पहुंचा हूँ आधे रास्ते में, यहाँ पे चल के ही मेरी सांसें फूलने लगी भाई इतनी, यहाँ पे क्या कहूँ मैं, क्या बात कहूँ यार कि सांस लेने में दिक्कत है। और आपको दिखा रहे हैं ये पूरा इलाका आपको जैसे दिखना शुरू हो गया, ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे भाई क्या वादियाँ लग रही हैं बर्फ़ से लगी। आज भी सुबह सुबह यहाँ पर बर्फ़ पड़ी और बादल देखिए ऊपर पहाड़ों के पास से गुजर रहे हैं। और ये देखिए सामने पूरी ले सिटी अभी ये आधी दिख रही है और मैं इससे ऊपर जाऊंगा। ये देखिए ये अभी आधी रास्ता और बचा है तय करने के लिए, अभी मैंने आधा सफ़र तय किया हुआ है। और लोग देखिए वहाँ से नीचे और लोग आ रहे हैं ऊपर आने के लिए। सो गाइस मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, तो जब आपको ऊपर पहुँचूँगा फिर वहाँ पे आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या है। सो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर, इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी और फाइनली पहुँच गया ऊपर। ये देखिए अभी आपको ऊपर अंदर भी पूरा दिखाएंगे बाहर का व्यू। और इतनी देर में आप यहाँ का व्यू देखिए, पूरी सिले सिटी यहाँ पे दिख रही है भाई। तो अभी दिखाते हैं, शायद मुझे लगता है कि अंदर से भी दिखाना पड़ेगा। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे देखने वाली। और बहुत ही बढ़िया यार ऊपर ऊँची जगह फुल वाइब मिलती है यहाँ पर, कसम से मुझे दिल खुश हो जाता है। देखिए अभी जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस ये सामने है, ये आपको सिटी दिखाई दे रही है। और ये देखिए ये है बुद्धिस्ट टेंपल सामने, वो महंत बुद्धिस्ट जो कि पंडित होते हैं वो जा रहे हैं। और अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर बहुत बड़ा टॉम्ब है वो भी आपको दिखाएंगे। ये क्या डॉग ही जहाँ पे सुस्ती ले रहे हैं पूरी, सोने का मज़ा ले रहे हैं। और ये है यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर टेम्पल की, और आपको अंदर दिखाते हैं आगे। देखिए गाइस, सो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और देखिए जगह जगह पर यहाँ पे लिखा जाता है कि कीप क्लीन, जहाँ पे लिखा हुआ है कीप स्तूपा क्लीन, जो कि आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। और आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा जी के जहाँ पे मूर्ति स्कल्पचर बनाए हुए हैं। ये देखिए गाइस जगह जगह पर आपको आगे दिखेंगे, इतना बढ़िया यहाँ पर बनाया हुआ है ये। ये देखो गाइस सभी लॉर्ड बुद्धा जी के दर्शन कर लीजिए, आपको आगे दिखाते हैं आगे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर, ऊपर आप देख सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया फील आ रहा है भाई यहाँ पे।
इतनी बढ़िया जगह ना यहाँ पे, क्या कहूँ बात यार। ये देखिए आपको पूरी लेह सिटी यहाँ से दिखाई देगी। अभी आपको मैं कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ का पूरा व्यू। गाइस आप देख सकते हैं मैं अभी 11,660 फीट की हाइट पे ऊपर खड़ा हूँ, और ये पास में पूरी लेह सिटी है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये पूरी लेह सिटी है और ये सामने आपको दिखाई दे रही हो, ये सारा एरिया भाई मिलिट्री एरिया है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। और ये सामने ग्राउंड है जो कि वांगचुंग स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाने जाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये है शांति स्तूपा जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर टेंपल है। तो अभी मैं आपको अंदर इसके ऊपर आगे जाके दिखाऊंगा आपको ऊपर कैसा है। तो गाइस मैं अभी इनका राउंड चक्कर लगा रहा हूँ अभी आके। काफ़ी बढ़िया जगह, ये देखिए भगवान बुद्ध जी की है, यहाँ पे भगवान बुद्ध जी के यहाँ पे कितने बढ़िया यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बनाई हुई है, और इनके मंदिर है जैसे पूरा टॉम भगवान बुद्ध जी के जैसे विराजमान है ऐसे है यहाँ पे। और यहाँ पे हवा बहुत चल रही है भाई, इतनी ठंड है यहाँ पे, क्या कहूँ मैं। सामने नज़ारा देखिए भाई, कितना बढ़िया नज़ारा है सामने। और ये है यहाँ पे थोड़ा सा टूरिस्ट पॉइंट, यहाँ पे कैफ़े वगैरह है खाने पीने के लिए। और इसका मैं अभी पूरा राउंड चक्कर लगा रहा हूँ, उसके बाद अभी ऊपर जाऊँगा आपको दिखाऊँगा जो कि बड़ी मूर्ति है यहाँ पे भगवान बुद्ध जी की, वो भी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए गाइस पहाड़ों का यहाँ पे बिल्कुल क्या कहें भाई, बात ही कुछ नहीं निकल रही मुँह से। अभी हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर, ऊपर दिखाते हैं गाइस आपको। ये देखो गाइस, तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ ऊपर। ऊपर देखिए गाइस ये कितनी बड़ी भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है विराजमान यहाँ पे, सभी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और मैंने सुना है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जी ने शांति के लिए यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे ध्यान लगाया करते थे, तो इसलिए यहाँ पे इस जगह का नाम शांति स्तूपा पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टर्निंग व्हील ऑफ धर्म, यहाँ पे लगता है उनको व्हील धर्म प्राप्त हुआ था। तो आगे दिखाते हैं आपको, कितना कसम से बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पे आके। और ये देखिए यहाँ पे पुरानी कलाकारी को यहाँ पे दर्शाया हुआ है, कितनी बढ़िया यहाँ पे जो पहले लोग रहा करते थे उन्होंने अपनी कलाकारी यहाँ दर्शाया हुआ है। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे डिफीटिंग दी डेवल्स। और आगे आपको दिखाते हैं, कितना बड़ा है यार, बढ़िया लग रहा है भगवान यहाँ पे इसके पूरे हर जगह भगवान बुद्ध जी के यहाँ पे पूरी लाइफ के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए ये बर्थ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि भगवान बुद्ध जी का जन्म कैसे हुआ था, उसके बारे में थोड़ा दर्शाया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे हमें जो देखने को मिले आपको दिखाएंगे। सामने नज़ारा बहुत मज़ा आ रहा है भाई गाइस देखने। और ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि भगवान बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा बताया हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप बता सकते हैं, ये साल ट्री है जो कि उसके किनारे या नदी के किनारे यहाँ पे भगवान जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो अभी आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइस हम वापस वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, तो हम अभी जा रहे हैं वापस। सो गाइस हमें ये देखिए ये बोर्ड मिला, इस बोर्ड पे ये इसकी पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कि क्या क्या किसने बनाया था ये। तो गाइस हम अभी आप पढ़ सकते हैं, देख हम अभी 11,841 फीट पे हैं। ये लद्दाख, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट शांति स्तूपा है जो कि दलाई लामा जी के नाम से बनाया हुआ है 14 अगस्त 1985 पे। सो गाइस एक बात आपको बता दूँ, इसको बनाने के लिए भाई जापान से भी फंड्स वगैरह आए हुए हैं, और जिन्होंने ये बनाया हुआ है उनको भाई पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, उनका नाम है कौशिक बकुला रिम्पोचे। तो ये गाइस उनको पूरा हिस्ट्री बताई हुई है इसकी यहाँ। तो आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं, फोटो वगैरह खींच रहे हैं। और अभी हम नीचे की ओर जाते हुए वापिस, तो मिलते हैं आपको बाद में।
गाइस मैंने आपको बताया यहाँ के बारे में, जो कि यहाँ का बहुत ही प्राचीन स्तूपा था सांची स्तूपा, जो कि बुद्धिस्ट टेंपल था, उसके बारे में आपको बताया। तो यहाँ की व्यू आपको कैसा लगा हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो बता देना, लाइक कर शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छे कमेंट करोगे और जैसे भी कमेंट करोगे तो हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है गाइस, ओके। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए जो भी सीढ़ियाँ इधर से नीचे उतना पड़ेगा वो आगे लास्ट तक जाना है। तो अपने ब्लॉग का ये भी मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।